नमस्कार। बुक ऑडियो आपके लिए लेकर आया है साहित्य जगत के महान लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का कारवां। इन्हीं अद्वितीय कहानियों के खजाने में आज की पेशकश है ईदगाह, मेरी यानी संचिता जोशी की आवाज में। रमजान के पूरे 30 रोजों बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य तो देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईद का जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, लेकिन इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईद का क्यों नहीं चलते। इनके गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवइयां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों भदवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उनके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष पहले हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीतली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो सुनने वाला कौन था। दिल पर जो कुछ बताती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है, क्योंकि अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने गई है, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो फिर वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा कि मोहसिन, नूरे और समीक कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अब भागी नमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज अगर आबीद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, इस घर में उसका कोई काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी से मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विंध्वास कर लेगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल चकोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो, कहीं अमीना उस योना के जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे,
पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करने में लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमान के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती इस ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती मैं? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटवे में। यही तो बिसात है कि ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन, नायन और मेहतारनी और चुड़ीहारिन सब तो आएंगी, सभी को सेवैयां चाहिए। और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता, किस किस के मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए, साल भर का ही तो त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उनके साथ है। बच्चों को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। अभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से फलार्ग पर है, खूब हंस रहे हैं, माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, वह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच? उनकी बड़ी बड़ी मूछे हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे, और क्या, क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुद्रों की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछ धाड़ी वाले, और मैमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे वह पकड़ ही ना सके, घूमते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान के तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा आ जाए। महमूद कहा कि लेकिन दौड़ती तो नहीं ना, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में आ पड़ी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि उन्हें न पा सका। सच? आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए लेता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए, हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा कि जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहाँ बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुँच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं मोहसिन? एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी,
जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका शरीर आसमान तक जा लगे और मगर चाहे तो लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे भी यह मंत्र बता दे तो मैं भी जिनको खुश कर लूं। मोहसिन, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात है और कोई भी चीज चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उनका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला, तब झक मरा कर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया मेवाशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहां की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना क्यों धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रिटर्न 5-4। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं? तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के कितने चोर डाकू हैं, सारे इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से ही तो कहते हैं कि चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तभी इनके पास इतने रुपए आ जाते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपए महीना पाते हैं लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लेकिन हम इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी भी न चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में ही जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 कर्ज लाए और बर्तन भांडे आए। हामिद, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। कहां 50, कहां 100, 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियां में भी ना आए। अब बस्ती घने होने लगी, ईदगाह जाने वालों को टोलियां आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार है, कोई मोटर पर, सभी इत्र से बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेख पर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, जिस चीज की ओर ताकते ही रह जाते, पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा, सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है और रोजदरों की पंक्तियां एक से एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। पक्की जगत के नीचे तक जहां जाजम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहां कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वज किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर के साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जिससे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो जाती है और एक साथ बुझ जाए। यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व
का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में परोरे हुए है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन एक नूरे में और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का एक तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चक्रियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने ही सिपाही और गुजरिया राजा और वकील बिश्ती और धोबन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों बाद ईद आई है। कितना मनोहर कितना सुहाना प्रभाव है, वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य तो देखो कितना प्यारा कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईद का जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, किसी ने एक रोजा रखा है वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईद का जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, लेकिन इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इनके गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवइयां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उनके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने मिठाइयाँ बिगुल गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष पहले हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीतली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो सुनने वाला कौन था। दिल पर जो कुछ बताती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है, क्योंकि अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने गई है, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो फिर वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा कि मोहसिन नूरे और समीक कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अब भागी नमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, आज ईद का दिन उसके घर में दाना नहीं। आज अगर आबीद होता
तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका कोई काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी से मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विंध्वास कर लेगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल चकोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? कहीं अमीना उस योना के जाने देगी? नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, यहाँ तो घंटों चीजें जमा करने में लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमान के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती इस ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती मैं? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटवे में। यही तो बिसात है कि ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन, नायन और मेहतारनी और चुड़ीहारिन सब तो आएंगी, सभी को सेवैयां चाहिए और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता। किस किस के मुंह चुराएगी और मुंह क्यों चुराए? साल भर का ही तो त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उनके साथ है। बच्चों को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। अभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है, लड़के वहां से फलार्ग पर है, खूब हंस रहे हैं, माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, वह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं, सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछे हैं, इतने बड़े हो गए हैं अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या, क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुद्रों की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछ धाड़ी वाले, और मैमे भी खेलती हैं, सच। हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे वह पकड़ ही ना सके, घूमते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान के तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा आ जाए। महमूद कहा कि लेकिन दौड़ती तो नहीं ना, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में आ पड़ी, अम्मा इतना तेज दौड़ी कि उन्हें न पा सका, सच।
आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए लेता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए, हमीद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा कि जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहाँ बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुँच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका शरीर आसमान तक जा लगे और मगर चाहे तो लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे भी यह मंत्र बता दे तो मैं भी जिनको खुश कर लूं। मोहसिन, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात है और कोई भी चीज चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उनका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला, तब झक मरा कर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया मेवाशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहां की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना क्यों धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, रिटर्न 5-4। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के कितने चोर डाकू हैं, सारे इनसे मिले रहते हैं, रात को ये लोग चोरों से ही तो कहते हैं कि चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इनको इनके पास इतने रुपए आ जाते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपए महीना पाते हैं लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार ले, लेकिन हम इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी भी न चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है, हराम का माल हराम में ही जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा, कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 कर्ज लाए और बर्तन भांडे आए। हामिद, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं, कहां 50 कहां 100, 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियां में भी ना आए। अब बस्ती घने होने लगी, ईदगाह जाने वालों को टोलियां आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार है, कोई मोटर पर, सभी इत्र से बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा, सहसा ईदगाह नजर आई, ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है और रोजदरों की पंक्तियां एक से एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है, पक्की जगत के नीचे तक जहां जाजम भी नहीं है,
नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वज किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर के साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जिससे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो जाती है और एक साथ बुझ जाए, यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में परोरे हुए हैं। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन एक नूरे में और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का एक तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चक्रियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने ही सिपाही और गुजरिया राजा और वकील बिश्ती और धोबन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस माशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वत्ता है उसके मुख पर, काला चोगा नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। सब दो दो पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले, खिलौना नहीं हाथ से फूट जाए तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए, ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, किस काम के। मोहसिन कहता है मेरा बिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे, महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फेर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, सम्मी और मेरी धोबन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों को निंदा करता है, मिट्टी ही के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है, किसी ने रेवड़िया, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, अब आगे के पास 3 पैसे हैं। क्यों कहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई हुई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है।
लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन देने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोमिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिल में यह कह रहे होगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे ना, तब ये हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बिचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं, सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं, देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाए मिठाइयाँ? आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हुई है, मेरी जबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद ये मिजाज देखते हैं कि मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरिया खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवैया ले तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से, उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा कि तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लिए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है कि नहीं? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे
इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर रखकर कहा कि जरा अपना बिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहू तो इससे मजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितनी ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बल बाल भी बाका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खजरी से बदलोगे, दो आने की है। हामिद ने खजरी की और अपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, दब दब डोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप भी तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है, बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों को दो दल हो गए हैं, हामिद, मुझ, सम्मी और नूरे एक तरफ और हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्राय हो रहा है, सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी और लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद रहा है, वह अजय है, घातक है, अगर कोई शेर आ जाए तो मियां भिश्ती के छक्के छूट जाए, सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम ए हिंद लप कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता ना। हामिद ने चिमटे को सीधा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लेकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे ना। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका, उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम ए हिंद को पकड़ेंगे, अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागोगे, पकड़ोगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन वही बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील सिपाही और बिश्ती लोड़ियों की तरह घर में घुस जाएंगे, आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम ए हिंद कर सकता है। महमूद ने एक और जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची बन के जमीन पर खड़ा रहेगा। इस तर्क ने समी और नूरे को सिजाव कर दिया, और कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची में पड़ा रहने के सिवा और क्या क्या कर सकता है। हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची ने नहीं रहेगा, लेकिन वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे,
तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा, उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून के पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई ढेलचा कनोआ जैसी गंडे वाले कनकोए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुक। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई ढेलचा कनोआ जैसी गंडे वाले कनकोए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी से बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब उसमें मोहसिन महमूद नूरे सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को मिला। औरों ने तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ला सके। हामिद ने तीन पैसे में रंग जमा लिया। सच्ची तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद को चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में आया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में। खिलौने कितने खूबसूरत है ये, हामिद ने हराने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच, यह चिमटा भला इन खिलौनों को क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है, अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है, चिपका हुआ टिकट अब पानी से भी छूट नहीं रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें दुआ तो ना देगा ना। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही खिलौने मिले तुम्हें। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। तीन पैसों में ही तो सब कुछ करना था और उन पैसों से उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रस्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके साथ हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली। तो मियां भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा ने शोर सुनकर बहुत बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। मियां नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज के भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन पर पंखा झालना शुरू किया। अदालतों में खस की टंटिया और बिजली के पंखे रखते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून में गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे को हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए हैं, तो उनका माटी का चूल्हा माटी में ही मिल गया। फिर
बड़े जोर शोर से मातम हुआ कि वकील साहब अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव में पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने कपड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पे चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं। मगर रात को अंधेरी ही होनी चाहिए ना। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियां सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा महरम मिल गया कि जिससे वह टूटी टांग को भी आन फान जोड़ सकता है। केवल गुलहर का दूध चाहिए, गुलहर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है, शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था, अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है, उसके सिर का झालदार सफा खुरच दिया जाता है। उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो, कभी कभी तो उसके बाट का कम भी किया जाता है। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया था। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। वह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ न खाया पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे पर जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लाया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों को बिखेर लेता है, यह मुख स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, इतना जब्त कैसे हुआ होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता?